हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड फेस। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई एम सो फिट एंड फाइन। यस, मैंने हेयर कट करवाया है, मेरे बाल बहुत छोटे लग रहे हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको मेरा हेयर कट कैसा लगा, बिकॉज गर्मी है, बहुत बड़े बाल मैं संभाल नहीं पा रही थी और लाइफ में कुछ चेंज बहुत जरूरी होता है। सो फॉर अ चेंज आई कट माई हेयर्स। सो अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा भी चेंज लग रहा हो, मेरा फेस ज्यादा ग्लोई लग रहा हो या मेरी स्किन काफी क्लियर लग रही हो, तो मैंने मेरे स्किन केयर रूटीन में दो चीजें ऐड की हैं जिसकी बात मैं आप सब लोगों के साथ जरूर करूंगी, बिकॉज यू ऑल आर माई फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ट्रीटमेंट आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी जो होगा पिंपल्स वाली स्किन टोन के लिए। जिनके भी स्किन पे बहुत पिंपल्स हैं, जिनके भी स्किन में ग्लो नहीं है, उनकी स्किन बेजान रूखी लगती है, तो फॉर दैट मैंने एक ट्रीटमेंट पे सर्च किया है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। और बहुत ही अफोर्डेबल है, इजी है, आपके पैसे नहीं खर्च होंगे। मेरा आप सब लोगों से वादा है, मैं आप सब लोगों के पैसे बचाने वाली फ्रेंड हूँ। तो जल्द से जल्द मैं आपको वो वाला ट्रीटमेंट पहले दिखा देती हूँ, फिर हम दूसरी बात करते हैं फॉर दैट ट्रीटमेंट। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बन जाए मेरे फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। पहले आप ट्रीटमेंट देख लो, उसके बेनिफिट्स और वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। ये मैंने मार्केट से रोज पेटल्स ली थी 10 रुपीज़ की, उसमें से मैंने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट लिया है ये ट्रीटमेंट के लिए, तो 10 रुपीज़ की तो मोर देन इनफ हो जाएंगी। ये मैंने कुछ पेटल्स को साफ करके मिक्सचर जार में ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया एलोवेरा जेल। आप कोई सी भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाली भी, घर वाली भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब मैंने इसको मिक्सचर की हेल्प से इसको चर्न कर दिया है और रोज़ पेटल्स और एलोवेरा जेल का पेस्ट बन चुका है। मैंने जानबूझ के एकदम पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी नहीं किया, बिकॉज ये जो रोज़ पेटल्स हैं जब हमारे फेस पे हम अप्लाई करेंगे वो स्क्रब का काम करेंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ पेटल पाउडर। ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, अमेजोन से या nykaa.com से, कहीं से भी, या तो पंसार की दुकान से भी आपको इजीली मिल सकता है। मैं ये 1 बिग टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। रोज़ पेटल पाउडर इज़ फुल ऑफ विटामिन सी, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, आपके फेस पे ग्लो लाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नीम पाउडर। नीम आपके पिम्पल्स को ट्रीट करेगा, आपके दाग धब्बों को ट्रीट करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल हमारे पिंपल्स को कंट्रोल करता है और हमारे पूरे फेस का जो ऑयल बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद ये मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। ये रोज़ वाटर वही है जो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो इसमें से ये बचा था तो मैंने बचा के रखा। आप नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरीके की पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन चुकी है। अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में आप अपने फेस पे रोज़ वाटर ऐड कर स्प्रे कर दीजिए। मैं गुड वाइब्स का रोज़ वाटर यूज़ कर रही थी। उसके बाद मैं एक लेमन लेके इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लूँगी और अपने फेस की डर्ट और गंदगी को मैं लेमन की हेल्प से रिमूव करूँगी, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी उसी तरीके से कीजिए। इस तरीके से लेमन को रब करने से आपकी स्किन पे आपकी एक्स्ट्रा गंदगी और जो भी आपके पोर्स में डर्ट भर गया है वो निकल जाएगा। अब मैं आपको वाइप करके दिखाती हूँ कितनी गंदगी निकलती है और आपका फेस एकदम क्लीन, क्लियर एंड सॉफ्ट फील करेगा, बिकॉज जो लेमन होता है इट्स फुल ऑफ विटामिन सी, मीन सिट्रिक एसिड। विटामिन सी हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के ग्लो के लिए बेस्ट होता है। यू कैन सी कितना डर्ट और गंदगी निकल चुकी है। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारी ये फर्स्ट स्टेप। सो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ वो फेस पैक जो हमने बना के रेडी किया था। आपको बहुत ही थिक सी लेयर अप्लाई करनी है। थोड़ा अप्लाई करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इसमें जो रोज़ पेटल्स हैं वो अच्छे से मैंने चर्न नहीं की हैं, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी रखा है, बिकॉज जो रोज़ पेटल्स हैं वो स्क्रब का काम करेंगी और रोज़ पाउडर एंड नीम पाउडर हमारे फेस की रंगत को निखारेगा, हमारे पिम्पल्स से फाइट करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं थिक लेयर अप्लाई कर रही हूँ अगेन ट्वाइस। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के बाद ही थोड़ा सा ही
ड्राई होने दीजिए, कंप्लीट ड्राई नहीं होने दीजिए, फिर हमको मसाज देना है आफ्टर 5 मिनट्स। और ऐसे मसाज करने से आपके फेस को स्क्रब मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन वर्कआउट होगा और आपके फेस पे ग्लो लाएगा ये फेस पैक, और इंस्टेंट निखार देगा आपको। यू कैन सी, आप अपने लिप्स पे भी इसको स्क्रब कर सकते हैं, आपके लिप्स की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। तो आफ्टर लुक भी आप देख सकते हैं, जस्ट मैं अभी बात लेके आई हूँ, यू कैन सी द एक्सट्रीम ग्लो ऑन माई फेस। मैंने मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, नथिंग नथिंग इज ऑन माई फेस आप अप्लाई करने के बाद। और मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे मैं मेरा ग्लो सीरम अप्लाई करूँ जिसका वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा इजी DIY रोज ट्रीटमेंट, जो बहुत ही इजी और मेरा रिसर्च है। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये वाला ट्रीटमेंट बनाया है और मुझे बहुत ही विजिबल डिफरेंस देखने को मिले हैं मेरी स्किन में, बिकॉज रोज पेटल्स जो बहुत ही पहले से सब यूज़ करते आ रहे हैं फॉर अ ब्यूटी। पहले के ज़माने में भी रोज़ को ही यूज़ किया जाता था ब्यूटी के लिए, रानियाँ महारानियाँ यही यूज़ करती थी। तो मैं आजकल उन सब चीज़ों में काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप ये वाला ट्रीटमेंट ट्राई करें। बट फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बोला था वो वाली बात तो आप अपने माइंड में जरूर रखना, कोई भी चीज कंटिन्यू करनी है, ठीक है, जो चीजें DIY होम बेस्ड होती है उनको इफेक्ट लाने में कम से कम एटलीस्ट 15 to 20 days तो लगते ही हैं। मैं भी आप सब लोगों के साथ रिसर्च करने के बाद, ट्राई करने के बाद ही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कंटिन्यू मेक श्योर जरूर करें। जिनको पिम्पल्स है उनके लिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट, उनके पिम्पल्स को दूर करेगा, दाग धब्बों को हटाएगा, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा, ब्लैमिशेस को दूर करेगा, डार्क सर्कल्स को दूर करेगा। ये वाला ट्रीटमेंट आप जरूर करें। मार्केट से 10 rupees के फ्लावर्स तो मोर देन इनफ है फॉर दिस ट्रीटमेंट। सो आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस देखने को मिले आपके फेस में तो मुझे बताना। सो मैं आप सब लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जल्दी फॉलो कर दीजिए, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।